आईसीसी की टी20 रैंकिंग में टीम इंडिया के स्पिन बॉलर कुलदीप यादव ने 14 पायदान की छलांग लगाकर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 23वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। बता दें कि कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज पर 3-0 की जीत के दौरान 2 मैचों में 5 विकेट लिए। आईसीसी की सोमवार 12 नवंबर को जारी रैंकिंग में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 9 पायदान चढ़कर शीर्ष 20 में शामिल हो गए हैं। वह 19वें जबकि जसप्रीत बुमराह 21वें स्थान पर हैं। बुमराह 5 पायदान आगे बढ़े हैं। भारतीय बल्लेबाजों में रोहित शर्मा और सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने भी अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। इस सीरीज में टीम की अगुवाई कर रहे रोहित 3 पायदान ऊपर 7वें और धवन 5 पायदान ऊपर 16वें स्थान पर पहुँच गए। टीम रैंकिंग में पाकिस्तान पहले और भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। इन दोनों ने क्रमशः 2 और 3 अंक हासिल किए। पाकिस्तान के अब 138 जबकि भारत के 127 अंक हो गए हैं। ऑलराउंडरों की सूची में शीर्ष 4 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल शीर्ष पर बने हुए हैं। उनके बाद मोहम्मद नबी, शाकिब अल हसन और जेपी डुमिनी का नंबर आता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।